लौकी गिल की, लौकी गिल की सारी दुनिया का वो तो बाल बना लो जितना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग, और मैं हूँ प्रतिमा। सो आप देख रहे हैं कि मैं तैयार हूँ अभी, और बेड थोड़ा सा फिर से ख़राब हो गया है। सुबह ठीक करा था, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं और मैच वगैरह हम देख रहे थे। ये देखिए टेस्ट मैच चल रहा है, सो थोड़ा सा बिगड़ गया, अभी ठीक करना है। लेकिन उसके बाद हम लोग जाएंगे कुछ सामान लेने के लिए, एंड यस नर्सरी जाना है मुझे। अभी जस्ट पोहा खाया है तो मेरा गला थोड़ा सोर है। नर्सरी जाना है मुझे, तो नर्सरी से मैं लाऊंगी कुछ इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स में मैंने कुछ सोच के रखे हैं, अगर वो मुझे मिल गए तो मैं उन्हें ज़रूर लूंगी, क्योंकि वो अभी तक मेरे गार्डन में, मतलब मेरे बालकनी गार्डन का कलेक्शन नहीं हुआ। बालकनी में भी धूप कम आती है, इसलिए मैं बालकनी में भी उसको रख सकती हूँ, और इंडोर यानी कि घर के अंदर रूम्स में भी मैं उसे रख सकती हूँ। सो मैं जा रही हूँ वो सब करने, वो सब आपको मैं दिखाऊंगी। एंड यस, मैं अभी नए कैमरे से शूट कर रही हूँ, तो मुझे बताइएगा कि आपको इसकी क्वालिटी और पहले जो मैं शूट करती थी उसकी क्वालिटी में क्या अंतर है। क्योंकि पहले मैं अपने मोबाइल से शूट करती थी, जब भी मैं इस तरह से शूट करती थी ना, मतलब अपना सेल्फ का, तब वैसे तो मेरे पास DSLR भी है, उससे भी करती हूँ, बट हाँ आज कर रही हूँ नए कैमरे से शूट, तो एक एक्साइटमेंट भी है। तो जल्दी से चलते हैं, मैं केदार को ढूंढती हूँ कहाँ है वो, तो फटाफट आ जाएं और उसके बाद हम लोग जाते हैं और सारे काम करते हैं। आप सभी से शेयर करती रहूंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। आ जाओ, यहाँ पीछे रख देता हूँ। और ये ले आए हैं आटा, बहुत ज़रूरी था, ख़त्म तो नहीं हुआ था लेकिन हाँ पहले ही ले लेती हूँ मैं। अच्छा वाला आटा लिया ना, 5 किलो। पिछली बार उसने दूसरा दे दिया, शरबती। हाँ। नहीं नहीं शरबती बोल के देता है, अच्छा रहता है। और फ्रेंड्स देखिए, अभी है मार्च का मंथ, लेकिन इतनी तेज़ धूप थी, ऐसा लग रहा था जैसे मई की गर्मी हो। सोच के तो आई थी कि बहुत सारे कामों को करूंगी, लेकिन आज लगता नहीं है, आज लगता है कि थोड़े से ही काम निपट पाएंगे मेरे। तो सबसे पहले फ्रूट्स ले लूँगी और उसके बाद सब्ज़ी। हाँ, घर में मैं सारे अपने कामों को करके आई हूँ, जैसे खाना वगैरह बनाना, और श्रिया को बता भी दिया कि ये चीज़ें उसको करनी है, और बाकी वो अपना खाना वगैरह खा के रखेगी, क्योंकि मुझे तो लेट हो जाएगा घर तक आने में। तो बस अब ये सब लेती हूँ और फिर आगे बढ़ूँगी। ये सेब है ना, 300 रुपए किलो है, पूरा बजट बिगाड़ दोगे आप मेरा। एक बार सही, इसमें क्या स्वाद आएगा आपको? तो किस में आएगा इसमें किस? ये 60 रुपए किलो और 300 रुपए किलो। ऐसे तो 15 दिन की सब्ज़ी ले लेती हूँ मैं विंटर्स में, लेकिन अब समर्स आ गए हैं तो अब हफ्ते हफ्ते भर की लूँगी, नहीं तो ख़राब हो जाती है। और फ्रूट्स भी ले लिए मैंने हफ्ते भर के, और सब्ज़ी लेने आई हूँ अब, तो बस सब्ज़ी लेके फिर सीधे जाएंगे नर्सरी। सारी दुनिया का वो चलो। तो पीछे रखा है सामान, 400 रुपये की सब्ज़ी, 400 रुपये, 450-470 रुपये के फ्रूट्स। वो कहते हैं ना, वो कौन सा गाना है कि हमें तो मार डाला महंगाई ने, क्या है वो गाना?
भगवान जाने मैं नहीं सुना, बकवास गाने नहीं सुनता हूँ। बकवास गाने नहीं सुनता। ग्रीन है और जो लीफ्स आती हैं वो रेड है, मतलब ऑरेंज है। ये जो मैं नर्सरी आई हूँ ये मेरे घर से काफ़ी दूर है, लेकिन क्या हुआ कि पास की नर्सरी में मैंने जो प्लांट्स देखे थे वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे, इसलिए मैं ये वाली नर्सरी आई और यहाँ बहुत वैरायटी मुझे मिली। ये इसको मालूम है केदार क्या बोल रहे हैं, क्या है केदार? लौकी गिल की। लौकी गिल की नहीं है वो, सक्यूलेंट है। मैं अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। और पीस लिली है। लकीली यहाँ पर मुझे सारे प्लांट्स मिल गए जो मुझे चाहिए थे, जो भी इंडोर प्लांट्स थे। और इस नर्सरी में बोनसाई की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, पॉट्स भी हैं अलग अलग शेप्स एंड साइज़ के, तो काफ़ी वैरायटी थी और रेट्स भी उतने हाई नहीं थे, तो मुझे ये नर्सरी काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पर ये देखिए बोनसाई, जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो केदार को तो बहुत ही अच्छे लगे बोनसाई, लेकिन ये काफ़ी महंगे थे क्योंकि बोनसाई की तो आप तो जानते ही, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा ही होती है। तो बोनसाई तो मैंने नहीं लिए, लेकिन हाँ कुछ जो प्लांट्स लिए वो मैं घर पहुँच कर आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अब लिक्विड फर्टिलाइज़र से इन्हें अच्छे तरीके से नहला दिया गया है, जितने भी प्लांट्स मैंने लिए हैं, ताकि मुझे अब 15 दिन बाद इनको फर्टिलाइज़र देना पड़े। और ये बहुत ही चमक जाते हैं, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा देना चाहिए प्लांट्स को। और चलिए हम अब चलते हैं इनको लेकर। सारे प्लांट्स लेके और कुछ प्लांट्स पीछे डिग्गी में भी रखे हैं, लेके मैं जा रही हूँ घर। इनको बड़ा दुख होता है इनके घर से इनको हम लोग ले जाते हैं, सो मैं कोशिश करूँगी कि इन सब की अच्छे से देखभाल करूँ। हर बार मैं कुछ कुछ महीनों में प्लांट्स लेती रहती हूँ और कुछ तो पनप जाते हैं लेकिन कुछ नहीं पनपते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उनको एक चीज़ रहती है, मैं आपको बताती हूँ कि जो खिले हुए फूल रहते हैं ना वो वाले प्लांट्स आप ना लें, कली वाले लें, क्योंकि उनने अभी दुनिया नहीं देखी है, तो वो आपके घर में फिर भी पनप जाएंगे। लेकिन जो खिले हुए फूल रहते हैं, उसके बाद मैंने देखा है कि एक बार जो खिल के हट जाते हैं ना फिर दोबारा वो खिलते नहीं हैं, पता नहीं, ये मेरे एक्सपीरियंस में रहा है। तो बस अब घर चल रहे हैं, बहुत सारा ले लिया है सामान, वो सबको घर जाके ठीक ठाक करना है, थोड़ा बहुत खाना भी बनाना है, तो वो सब करते हैं और मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में अपने प्लांट्स के साथ। हे फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ घर, थक गई हूँ बहुत, बहुत तेज़ धूप थी बाहर। और नर्सरी में ना ऐसा लग रहा था ये प्लांट भी ले लो, ये भी ले लो, सब ले लो, तो कुछ भी छोड़ने का मन नहीं था। और मैंने उसमें से जो सोच कर गई थी, क्योंकि जो मैं नर्सरी गई थी ना वो काफ़ी टाइम से वहाँ है, और हमेशा ऐसे जगह से प्लांट्स लेना चाहिए जो नर्सरी बहुत टाइम से हो और मेंटेन कर रही हो सब प्लांट्स को। रोड साइड वाले प्लांट्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रोड साइड वाले जो प्लांट्स होते हैं वो उनके पास हो सकता है एक या दो दिन में ही आए हों ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो उतना केयर वो लोग करते ही नहीं हैं, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि वो उतना चलते नहीं हैं प्लांट्स। तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहला जो मैंने लिया है वो है ये क्रोटन, ये कलर वाला मैंने लिया है। सो ये मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी, पहले मैं लाई थी बट वो ख़राब हो गया था, उसमें कीड़ा लग गया था, तो काफ़ी मैंने उसको बचाने की कोशिश करी पर वो नहीं बच पाया, तो इस बार मैं ये लेकर आई हूँ।
नेक्स्ट मैंने लिया है जीजी प्लांट, इसको जीजी प्लांट बोल रहे थे वो। सो ये मैंने लिया, ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, जब ये बड़ा हो जाता है ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। नेक्स्ट मैंने लिया है श्रिया के रूम के लिए ये पीस लिली। अब मैं सोचा तो था श्रिया के रूम में रखूँगी, बट देखती हूँ जहाँ पर भी जो बेस्ट लगेगा वो मैं लूँगी। और श्रिया भी आ गई है तैयार होके। श्रिया तुमने अभी बाल नहीं बनाया अभी ना? नहीं। तो बाल बना लो जब तक। फिर श्रिया का एक शूट लेना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, हो सकता है वो वीडियो इस वीडियो के पहले चले जाए। सो ये है पीस लिली और ये प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है, आप देखिए। सो ये है, देन मैंने लिया है रबर प्लांट, क्योंकि ये जो घर की नेगेटिविटी होती है उन सबको हटाते हैं और ये बहुत ही अच्छे रहते हैं घर के लिए। जैसे पीस लिली हुआ और स्नेक प्लांट हुआ, ये सारे प्लांट्स घर में रखना बहुत अच्छा मानते हैं। स्नेक प्लांट की मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है तो एज सच मैंने वो नहीं लिया। देन ये लिया है मैंने, आपको इस तरीके से दिखाती हूँ, ये है रबर प्लांट, थोड़ा बड़ा साइज़ का लिया। छोटे साइज़ में उनके पास उतना अच्छा नहीं था तो केदार बोले कि बड़ा वाला ले लो, तो ये बड़ा वाला लिया। देन दिस इज़ ड्रेसिना और ये बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर प्लांट मुझे लगता है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इस प्लांट को मैं लूँगी, सो मैंने इसे लिया है। और अब इन सबको मैं अभी है ना मालूम क्या करने वाली हूँ, एक साथ रखने वाली हूँ सारे प्लांट्स को, ताकि ये जितने भी प्लांट्स हैं ना इनको दुख ना हो, क्योंकि हम इनको उनके घर से लाते हैं जहाँ पर इनकी केयर होती है, जहाँ पर ये बड़े होते हैं और एक दूसरे से ये मिलते जुलते हैं और उनसे फिर बिछुड़ जाते हैं, तो इनको बहुत ही बुरा लगता है। तो जब भी आप घर में प्लांट्स लाएं ना तो उनको पहले एक जगह पर रखें कम से कम 1 से 2 हफ्ता, और फिर धीरे धीरे जब ये आपको पहचानने लगेंगे, आपका हाथ जानने लगेंगे, जिन हाथों से हम इनकी केयर करते हैं, तब ये थोड़े से जैसे कहते हैं ना कि हमारे घर में फैमिलियर हो जाते हैं, राइट, फैमिलियर हो जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि ये, हाँ एक चीज़ और, ये वाला जो है ना, आई मीन क्रोटन जो प्लांट है ये वाला, इसका पॉट नहीं है, बाकी सब पॉट में आए हैं। और आई थिंक ये रबर प्लांट को भी मुझे रीपॉटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसका पॉट बहुत छोटा है, इस टाइप से ये छोटा प्लांट छोटा पॉट है, तो लेकिन अभी रीपॉटिंग नहीं करूँगी मैं। वो भी कहते हैं कि रिपोर्टिंग भी आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ही करें जब भी आप नर्सरी से लाएं, तुरंत नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो प्लांट्स उतने पनप नहीं पाते। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी बात पर इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो छोटा सा प्यारा सा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिए, मेरे प्यारे से प्लांट्स के लिए एक लाइक कर दीजिए जो मैं लेकर आई हूँ, और दुआ करिए कि ये अच्छे से यहाँ पर रहें। तो चलिए, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।